हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एकदम अनोखे तरीके से केक की डेकोरेशन में इस्तेमाल होने वाले पाइपिंग बैग को बनाना सिखाऊंगी। हम लोग घर में बैठकर ही इन पाइपिंग बैग्स को बना सकते हैं। मैंने ये सारे केक्स की डेकोरेशन अपने घर के बने आइसिंग बैग्स से ही की है, तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पाइपिंग बैग को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लास्टिक लेंगे, चाकोर शेप में कटी हुई। आप कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं घर में, आटे वगैरह का। इसको हम तिकोना ऐसे फोल्ड करेंगे, बीच में से अच्छे से इसे दबा देंगे, प्रेस कर देंगे नाखून की मदद से। इसको हमें चाकोर चाहिए, तो ये जो किनारे हैं टेढ़े मेढ़े, इनको हम कैंची की हेल्प से एकदम काट देंगे ताकि हमें एक चाकोर पीस ठीक सा कटा हुआ मिले। ये देखिए मैंने काट दिया है। अभी इधर थोड़ा सा किनारा और बाकी है, मैं यहाँ से भी काट देती हूँ। ये देखिए अब हमारा एकदम से परफेक्ट कट गया है। अब हम एक अखबार की एक लंबी सी पट्टी लेंगे, क्योंकि हम इसे गर्म करके बनाएंगे, तो अखबार को ऐसे फोल्ड करना है बीच में से। अब इसके एक किनारे को इस अखबार की पट्टी के बीच में ऐसे सेट करना है कि ऊपर से ये फिर से बंद हो जाए। इसे दबा देंगे अच्छे से ताकि ये हिले ना अपनी जगह पर। और अब हम बालों में यूज़ करने वाले हेयर स्ट्रेटनर की मदद से इसको सील करेंगे। मैंने इसे ऑन कर दिया है, इसका ये वाला लॉक खोल दिया है ताकि ये नॉर्मल ईजी यूज़ में आ जाए। अब हम अपने प्लास्टिक के कवर को पट्टी में दबाए हुए वाली साइड लेंगे और हेयर स्ट्रेटनर की मदद से इसके एंड्स को सील कर देंगे। ये ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ सील लगी है, इसीलिए हमें किसी भी तरीके की सेलो टेप या पेपर टेप या किसी भी तरीके का ग्लू, गोंद या फेविकॉल की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से इसके एंड्स को बंद कर देंगे। देखिए मैंने बंद कर दिया है, आप चाहें तो बीच बीच में से देख भी सकते हैं ताकि ये पूरी तरीके से सील हो जाए। अच्छे से इसको प्रेस करना है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे प्रेस कर दिया है। आप चाहें, ये देखिए मेरा हो गया है एकदम सील बंद। आप चाहें तो इसको प्रेस की मदद से भी कर सकते हैं, प्रेस से भी हम डायरेक्ट इसको टच करके इसको सील कर सकते हैं। अगर आपके पास हेयर स्ट्रेटनर नहीं है तो आप प्रेस में इस तरीके से टच करेंगे तो भी ये सील हो जाएगा। मैंने यहाँ हेयर स्ट्रेटनर यूज़ किया है, तो देखिए मेरा एकदम से ये सील पैक बंद पाइपिंग बैग तैयार हो गया है। हमारा पाइपिंग बैग एकदम तैयार है, ये देखिए इसकी कैविटी। अब हम इसमें नोज़ल जाने के लिए, ये नोज़ल है मेरे, ये बाज़ार के नोज़ल हैं, लेकिन आप ये नोज़ल घर पर भी बना सकते हैं। मैंने कुछ नोज़ल ये अपने ऐसे बनाए हुए हैं, देखिए ये होममेड हैं, मैं इसको भी अपने वीडियो में डालूंगी। ये इस तरीके से कॉफ़ी टिन से मैंने बनाए हैं, इसका प्रोसेस मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको पाइपिंग बैग में नोज़ल फिट करना सिखाती हूँ। ये जिस तरीके से इतना जितना गोल है, हम आगे से पाइपिंग बैग की कोन वैसे ही काटेंगे ताकि हमारा नोज़ल आसानी से उसमें फिट हो जाए। पहले थोड़ा ही काटेंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम और भी बढ़ा सकते हैं उसका कट। ये देखिए मेरा नोज़ल आ गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा कम कटा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और काट देती हूँ ताकि ये अच्छे से कम 3/4 टुकड़ा इसका बाहर आ जाए, अंदर रह जाए, माफ़ कीजिएगा, बाहर 1/4 हिस्सा इसका दिखने चाहिए। ये देखिए आ गया है नोज़ल और आपका पूरा केक डेकोरेशन करने का पाइपिंग बैग एकदम तैयार है। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर के पाइपिंग बैग लाने की और आप आसानी से इससे कोई भी डिज़ाइन अपनी केक्स के ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारा बढ़िया सा पाइपिंग बैग घर पर ही तैयार है।